कादिया में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के निवास के बाहर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बस सर्विस देना अच्छी बात है, लेकिन बसों की गिनती बढ़ाना भी जरूरी है। मैं कपूरथले डिपो तो PRTC तो गुरप्रीत सिंह पन्नू डिपू प्रधान। साड़ी मुख मंग यही है कि सानू बड़े लंबे समय तो जड़ी सरकार वादे कर रही आ रही है कि तानू पक्का किता जाएगा, सानू पक्का किता जावे ते जां जड़ी साड़ी मेन और मंग है जी बराबर काम बराबर तनखा लागू की जाए, क्योंकि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं मानती तो फिर असि इन्हां सरकार तो होर की उम्मीद कर सकते हैं। मन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन जलंधर साड़ियां काफ़ी लंबे समय तो हकी ते जायज मंगा जो लड़कदियां आ रही हैं, जो समय समय सिर सरकार दे नाल मीटिंगां भी असी कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री मुख्यमंत्री नाल, और उन्हां दा यही जवाब हुंदा सी कि असी सब कमेटी बनाई है और जो सब कमेटी रिपोर्ट दूगी उहदे आधार ते तुहानूं पक्का करांगे। और अज असी इसे करके जिन्ने भी सब कमेटी के मैंबर ने उन्होंने घरां दे मूहरे असी यूनियन तो सूबा जनरल सकत्तर PRTC वालों सारी डिपुआं दे कर्मचारी छा के और इतने प्रोग्राम कर रहे हैं तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा की कोठी के काम करना पा के एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई हुई है तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा भी आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है कच्चे कामयां पक्के करने वास्ते। 15-15 साल हो गए अजे तक कोई भी सरकार ने जिहड़ा वा बंदा रेगुलर नहीं किया। अहीं चाहुंदे आ कि चलो पंजाब रोडवेज पन बस PRTC गड्डिया पाउण, गड्डिया खबर सबर सूट फ्री दित्ती आ अपन औरतों को, बहुत वधिया काम आ। अहीं चाहुंदे कि 10,000 गड्डी पाउण, गड्डियां दे विच सबर सहूलत जिहड़ी अहीं दे सकीए क्योंकि 25 सवारियां करदियां वा। एनस्टार न्यूज़ के लिए कादिया से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट।